अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की पूर्व अध्यक्ष एवं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से रही पूर्व विधायिका अनीता वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार पर आरोप लगाया है। सुजानपुर विश्राम गृह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को बने हुए 6 माह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे हमीरपुर जिला में विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। विकास को लेकर हमीरपुर जिला के साथ किया जा रहा भेदभाव इस ओर इशारा करता है कि प्रदेश की जयराम सरकार हमीरपुर जिला में भाजपा को मिले जख्मों का दर्द अभी तक सह नहीं पाई है। इस मौके पर सुजानपुर ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह बेदी, विनय शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। पूरे हिंदुस्तान की वो चरमरा गई है, उसका उदाहरण आपको दो तीन है। एक तो खास करके जो कैदी जेल से निकलता है अपराध के तहत, जिसको कानून सजा देती है उसको एक केंद्र मंत्री हार पहनाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये क्या एक किस्म से आम जनता में एक मैसेज जाता है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, ऐसे क्यों कानून व्यवस्था खराब हो गई कि जेल जहां पर आप कैदियों को रखते हैं और जहां पर पूरे जो समाज है वो सुरक्षित होता है कि कैदी जेल में है, हम सुरक्षित हैं, और उसी कैदी को अंदर जेल में मार दिया जाता है, तो आज जनता चिंतित है कि हम कितने सुरक्षित हैं जब कैदी पुलिस के साथ ही सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज जितने आप रोज पेपर पढ़ेंगे तो जितनी छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये ऐसे कभी नहीं पहले हुए, और इसके ऊपर ना तो कोई चिंता जताई जा रही है ना इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोई आगे कोई प्रोग्रेस हो रही है। और आपके जो यूपीए सरकार थी उस समय निर्भय फंड एक जारी हुआ था, जिसके तहत खास करके महिलाओं के लिए कोर्ट और ऐसे ऐसे जो केसेस हैं उनके लिए फास्ट कोर्ट्स कि एक वहां पे ये रखा गया था कि भाई ये चलाए जाएंगे और ये फंड है उसके लिए। उसका भी समझ नहीं आता कि उस फंड को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी छोटी छोटी बच्चियों को इन अपराधों से बचा रहे हैं। और आपके ये जो कानून व्यवस्था है, ये खास करके जैसे कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है, बेशक वो आपके जो गौ हत्या के लिए, तो उसके लिए भी मतलब कोई वो रुकावट नहीं है, वहां पे भी कई ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जो हमारे गंदे इनोसेंट हैं उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। और कई जगह तो सोशल